हाँ जी, अब्दुल वहाब साहब तबलीगी जमात के जो रहनुमा हैं जी पाकिस्तान जी में रायविंद में, उनका इंतकाल हो गया इंतकाल है जी चंद दिन इंतकाल पहले, 2-3 रोज़ पहले उनका इंतकाल हो गया है। तो वो मैं ऐलान भी करना चाहता हूँ और यकीनन हम उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ भी दुआ करेंगे। बताइए। तो एक तो ये बात, दूसरे ये कि लताइफ़ इल्मी जी दिलचस्प जी बिल्कुल बिल्कुल वाक़या जिसका मुंतज़र मैं भी हूँ और सब भी हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं जो है वो दुआए मग़फ़रत जी करता हूँ हाजी जी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए। जी ज़ाहिर है कि तबलीग जमात के अमीर थे और रायविंड की रौन के उनकी बरकत से थी जी और पूरे आलम में उनका काम पे। और ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बानी तबलीग थे, जी ये उनके काफ़िले के लोगों में आखिरी थे, अच्छा आखिरी मुसाफिर थे। अच्छा अच्छा सारे मुसाफिर चले गए, आखिरी मुसाफिर ओहो थे। और इन्होंने इतनी जान मारी है इस काम के लिए, जी इतना काम पूरे आलम में फैला है जी इनके दौर में। और इनकी चूंकि मैंने तो इनकी महफिलें उठाई हैं, जी क्योंकि हाँ मेरे वालिद निस्बती मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद जी उनके पास कराची आते थे, तो उनके साथ में जो बैठने के मौका मिला। जी फिर बहावल नगर में तशरीफ़ लाते थे, मेरे वालिद साहब मौलाना मुफ्ती नियाज मोहम्मद खोतनी रहमतुल्लाह, उनसे मुलाकात के लिए घर पर आते वाह थे। वाह तो इनके साथ मेरी बड़ी महफिलें गुजरी और अच्छा बड़ा इनको इनको देखा और सुना है। बाकी ऐसा दर्दमंद आदमी कब मिलेंगे। तो अच्छा ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले का आखिरी मुसाफिर था जो आज दुनिया से चला गया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनको और जन्नत बाकी मैं ये अलफ़िरदौस देख में। रहा था कि मैंने कहा यार हकीकत जो है बस यही है, यही है ये अल्लाह के दीन के लिए तड़प तड़प के इंसान दुनिया से चला जाए तो आगे जन्नतों के दरवाजे मुंतजिर हैं। जी आज लोग, आज हम दुनिया की कूड़ा करकट जमा करने में लगे हुए हैं, जी हाँ जिस कूड़ा करकट की ना दुनिया में कोई हकीकत है ना आखिरत में कोई वजन है। बिल्कुल सही बात इसलिए हाजी साहब बहुत बड़ा सरमाया थे इस उम्मत के लिए जी और हाँ मैं दिल से दुआ करता हूँ। और उनके साथ गुजरे हुए लम्हात जो हैं, अल्लाह मेरे उन लम्हात को उस वक्त बैठ बैठ के अपने वालदैन के साथ इनके दीदार को अल्लाह कबूल फरमाए और हमें भी इशात दीन और दिफा इस्लाम और ख़िदमत खल का वो जज्बा अता फरमाए जो हाजी साहब को अल्लाह ने अता किया था। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनकी बख्शी फरमाए, उनके आमीन वर्षा को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन और जो उनके जो रूहानी औलादें छोड़ कर गए हैं, तो वो रूहानी औलादें जो दावत दीन के काम में लगी हुई हैं, अल्लाह उनके दावत दीन के काम में उनको कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़िक्रिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़ो अलैल ईमान। या अल्लाह हाजी साहब के दर्जात बुलंद फरमा, उनकी औलादों को उनकी जो नस्लों को जो सब्र जमील अता फरमा और ऐसे लोग उम्मत के अंदर पैदा फरमाता रहे ताकि इस उम्मत को जो है गुमराही के गणों से बचाने वाले हों और उनको जो है खैर की तरफ ले जाने वाले हों। या अल्लाह अपने करम से हाजी साहब इन तरह के जितने भी लोग जो मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के काफिले के मुसाफिर जो सब चले गए, ये आखिरी मुसाफिर था, या अल्लाह सबको बुलंद दर्जा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन।